तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से। तो भाई वीडियो को इन तक जरूर देखना और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एनीवेज तो चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। सो मिस्टर बीस्ट का एक फैन है जिनका नाम है ER फनी बोन्स। वो अपने चैनल में एक सीरीज चला रहे हैं जिसको 550 प्लस डेज हो चुके हैं। जी गाइस, वो रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं बाय द टाइटल ऑफ डीएमिंग मिस्टर बीस्ट अंटिल ही नोटिसेस मी। एंड वो लिटरली रोज डीएम करते हैं मिस्टर बीस्ट को एंड 1.5 साल हो चुके ये करते हुए। एंड बाय द टाइटल ऑफ द वीडियो आप समझ ही सकते हो इस सीरीज का एंड गोल क्या है। लेट्स सी मिस्टर बीस्ट इनको नोटिस करते हैं या नहीं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले आरजे अभिनव के बारे में। सो आप आरजे अभिनव को जानते होंगे, ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है एंड इसके साथ-साथ Instagram में भी इनके रील्स बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया था कल ऑन द टॉपिक ऑफ CAs। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कुछ कह दिया था, आप वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। डॉक्टरों के समझ आते हैं, प्रेस और मीडिया के स्टिकर तो फास्ट टैग की तरह हर गाड़ी में लगे हुए हैं भाई, कंपलसरी ऐसा लगता है लगाना। इनफैक्ट चलो लॉयर के भी भाई 1% दबदबा फैलाने का पीछे स्टिकर एडवोकेट का, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टिकर पीछे क्या कर रहे हैं भाई गाड़ियों के? 5 अटेम्प्ट में CPT क्लियर करने के स्टिकर मिलने लग गए क्या? और पर्पस क्या सॉल्व कर रही है स्टिकर? ट्रैफिक जाम में हमारा टैक्स भर दोगे हाथों हाथ 60 सेकंड की बत्ती पे? कोई पंगा लेगा तो उस पर 18% GST फेंक के मार दोगे क्या? लैपटॉप लाके बोनट पे बैठ जाए तुम्हारी आईडिया चेक करवाने? गाड़ी में टैक्स स्लैब लेके जा रहे हो क्या? किचन में डलनी है, रास्ता दे दें आपको? अगर इन स्टिकर का थोड़ा सा काम है वो है टैक्स भरने की डेडलाइन से 1-2 हफ्ते पहले इसको गाड़ी को लगाओ ताकि पीछे वाले को स्टिकर देख के याद आ जाए अरे टैक्स भरना था भाई, वरना इन स्टिकर का कोई काम नहीं है। इससे अच्छा बेबी ऑन बोर्ड लगा लो, थोड़ा इज्जत मिलेगी, लोग धीरे से निकलेंगे साइड से। तो ये वीडियो को देख के काफी सारे CAs ऑफेंड हो गए एंड वो उनके ऊपर रिप्लाई वीडियोस अपलोड करने लगे। तो ऑफ कोर्स ये क्रिटिसिज्म को देखते हुए आरजे अभिनव ये वीडियो को हटा दिए एंड देन अपोलोजाइज करते हुए वो एक स्टेटमेंट भी रिलीज किए जहां पे उन्होंने कहा कि वो इंटेंट नहीं किए थे किसी को हर्ट करने का, ऑल द प्रोफेशनल्स आर रेस्पेक्टेबल एंड इक्वल फॉर हिम। एंड इसके एंड में उन्होंने CAs के लिए ये कहा, योर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स आर वे बियॉन्ड टू व्हाट इज बीइंग इंटरप्रेटेड फ्रॉम माय वीडियो। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। सो मिस्टर इंडियन हैकर का एक इंटरव्यू काइंड ऑफ वीडियो आया विद अरविंद अरोरा। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, अबाउट हिज यूट्यूब करियर, हिज लाइफ एक्सपेरिमेंट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। बट उसमें से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये था कि उन्होंने एक वीडियो पर लाखों का खर्चा किया था एंड ही कुडंट अपलोड इट। सो या वो स्टोरी आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। बहुत एक बार हम है ना क्रैश टेस्ट कर रहे थे। अच्छा। दो गाड़ियों का। अच्छा। ये पता करने के लिए कि भैया कि अगर इसके अंदर कोई बैठा होगा तो उसने सीट बेल्ट लगा रखी है तो एयरबैग खुलेगा नहीं खुलेगा या फिर क्या सिनेरियोस होगा। दो गाड़ियों को हमने भिड़ा दिया 80 की रफ्तार में। बाप रे। तो जो मेन कैमरा था, हाँ। जो मेन एक मेन कैमरा रहता है ना मास्टर शॉट जिसे अपन कहते हैं, हाँ। वो कैमरा भी उसी के अंदर चला गया, तेरी। क्रैश हो गया, टूट गया, क्योंकि वो गाड़ी इतनी भयंकर तरीके से भिड़ी दोनों गाड़ी आपस में कि जो कैमरामैन था उसने उसको छोड़ के वो वहां से निकल गया। सेफ्टी फर्स्ट होती है ना, इसीलिए तो मेन मास्टर शॉट ही चला गया तो फिर वीडियो का मतलब नहीं रहा। एक बार गाड़ी टूट गई तो दोबारा तो ऐसा नहीं है कि उसको रीटेक ले लें अपन, सिंगल टेक का टाइम मिलता है। उस वीडियो के अंदर हमारा खर्चा हुआ था 15 लाख। बाप रे। तो चलिए बाकी बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अभ्युदय फ्रॉम स्ले पॉइंट के बारे में। सो अभ्युदय आज ट्वीट करके दिखाए कि उनको ढिंचैक पूजा की तरफ से इंस्टाग्राम में एक DM आया, शी सेड हाई टू हिम एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा आई हैव मेड इट इन लाइफ। तो भाई ढिंचैक पूजा अभ्युदय को क्यों मैसेज कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है यार। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। सो एल्विश यादव कल एक मीटअप रखे थे एंड जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे लोग आए थे वहां पे, पूरा भीड़ हो गया था रोड में एंड मीटअप होने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरीज अपलोड किए। भाई लिटरली लिटरली चक्का जाम तिजारा में भाई, स्वाद आ गए वो समझ लो, बेस्ट बेस्ट मीटअप जयपुर का था वैसे, अच्छा बट ये तगड़ा, ये भी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मजा आ गया तिजारा, दिल से प्यार जो जो मेरा जितना भी जो जो लोग आए जितने मेरे भाई आए। तो चलिए बाकी बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। सो कल कैरी मिनाटी ने अपने YouTube में ये पोस्ट किया था, नया सवेरा नया दिन, चलो उठ के काम पे जाए, बताओ अगली वीडियो किस पे बनाए। सो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक लोग नीचे सजेस्ट करने लगे, हाईएस्ट लाइक्ड कमेंट मेरे को अभी भी ये दिखा, कैरी भाई प्लीज मिस्टर फैजू पर बनाइए वीडियो, जिसके होने के चांसेस मेरे को तो पर्सनली बहुत बहुत कम लगते हैं। सेकंडली लोग सजेस्ट कर रहे थे इमोशनल यूट्यूब शॉर्ट्स वाले वीडियोस एंड फिर कुछ लोग ऑफकोर्स बॉलीवुड भी सजेस्ट कर रहे थे। तो लेट्स सी कैरी मिनाटी इस बार कौन सा टॉपिक चूज करेंगे। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैरी, तो उनके लेटेस्ट स्ट्रीम में किसी ने उनसे पूछा नया सॉन्ग कब आएगा, तो उन्होंने ये कहा कैरी भाई नेक्स्ट सॉन्ग कब रिलीज कर रहे हो? बना रहे हैं भाई आदित्य, बना रहे हैं, चल रहा है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। सो अबाउट 5 दिन पहले हर्ष बेनीवाल का नया वीडियो वीर वर्सेस हीर रिटर्न्स आया था एंड यही थंबनेल को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके फिल्मी जासूस एक चैनल है वो एक वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस आर्टवर्क को जो एक्चुअली में बनाए हैं उनका नाम है विशाल राणा एंड वो अपने स्टोरी में इससे रिलेटेड एक मीम शेयर की है जिसमें लिखा हुआ एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट अड्डा ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन फुटबॉल फैन जूनियर ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन यूटोपियंस ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन थिंक स्कूल ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली सीएस बिस्ट वाइंस ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले प्यूडीपाई एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। सो आपको पता होगा प्यूडीपाई इज द बिगेस्ट क्रिएटर राइट नाउ एंड मिस्टर बीस्ट उनको बहुत जल्दी क्लोज इन कर रहे हैं। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए प्यूडीपाई क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। नाउ दैट मिस्टर बीस्ट हैज 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कांग्रेट्स। डू यू थिंक ही विल एवर पास you? What do you think of it? Yeah, he definitely will. Come on. I've been retired for like 2 years now. I can't wait for it to be over. His fans are infiltrating my comments. I guess I'm getting a taste of my own medicine. That's all right. He definitely deserves it. I hope he does. तो चलिए बाकी बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जैक सेप्टिकाई के बारे में। तो जैक सेप्टिकाई अपने कंट्री आयरलैंड के बिगेस्ट यूट्यूबर हैं। बट उन्होंने अपने ट्विटर में शेयर करके दिखाया कि एक चैनल उनसे बहुत ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। सो यह कुछ 4 लाख का डिफरेंस है एंड इस पर जैक कहे दिस इज मेस्ड अप। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले केएसआई वर्सेस स्वॉर्म्स के बारे में। सो केएसआई वर्सेस एलेक्स वसाबी फाइट कैंसिल होने के बाद स्वॉर्म्स इज द न्यू रिप्लेसमेंट, आपको पता ही होगा एंड बहुत लोग केएसआई का मजाक भी उड़ा रहे हैं इस चीज के लिए। सो स्वॉर्म्स अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किए थे जिसमें वो कहते कि अगर 1000 रिप्लाइज आएंगे तो वो केएसआई के अगेंस्ट एक डिस्ट्रैक्ट रिलीज करेंगे। तो केएसआई खुद ये स्टोरी को शेयर करके बोले कि भाई जाके रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, मेरे को ये डिस्ट्रैक्ट सुनना है। तो भाई फॉर द फर्स्ट टाइम कोई अपना ही डिस्ट्रैक्ट सुनने के लिए इतना एक्साइटेड है एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ये फाइट को उतना हाइप नहीं मिल रहा है तो डिस्ट्रैक्ट आने से थोड़ा सा तो हाइप क्रिएट होगा। सो यार चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट वीडियो एंड करने से पहले गाइज आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो यार चलो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यू सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।